अगर आप किसी भी बैंक में विदाउट वीडियो केवाईसी बिना वीडियो केवाईसी का अपना सेविंग अकाउंट ऑनलाइन ओपन करना चाहते हैं तो बिना वीडियो केवाईसी का अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने से पहले आपको कुछ इंपोर्टेंट बातें जानना जरूरी है। सो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप किसी भी बैंक में बिना वीडियो केवाईसी का अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं विदाउट वीडियो केवाईसी का, क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं, साथ ही क्या आपको बिना वीडियो केवाईसी का अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वीडियो आज का ये काफी यूजफुल होने वाला है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे बैंक हैं जहां पर अगर आप ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हैं तो विदाउट कंप्लीट केवाईसी किए ही आपका सेविंग अकाउंट ओपन हो जाते हैं, और कुछ बैंक ऐसे हैं जहां पर अगर आप जाते हैं ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए तो वहां पर सबसे पहले आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद जाकर के ही आपका सेविंग अकाउंट वहां पर ओपन होता है। जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक का अगर आप कोटक 811 डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपका अकाउंट विदाउट वीडियो केवाईसी ही ओपन हो जाता है। साथ ही अगर आप इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाते हैं अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए तो विदाउट कंप्लीट केवाईसी किए ही विदाउट वीडियो केवाईसी किए ही आपका सेविंग अकाउंट ओपन हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि HDFC बैंक है, ICICI बैंक है और भी कई सारे ऐसे बैंक है जहाँ पर बिना वीडियो केवाईसी का ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, मतलब कि पहले ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और अकाउंट ओपन होने के बाद आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने की ऑप्शन आता है। अब कई सारे लोग बिना वीडियो केवाईसी का किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी बैंक में अगर आप बिना वीडियो केवाईसी का अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो आपको बता दें, आप किसी भी बैंक में अगर विदाउट वीडियो केवाईसी अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, आप कंप्लीट केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ आपको अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड और कस्टमर आईडी आपको दी जाएगी, लेकिन आपको किसी भी तरह का कोई भी डेबिट कार्ड, चेकबुक या फिर पासबुक प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अब अगर आप बिना वीडियो केवाईसी का अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका अकाउंट तो यहाँ पर किसी भी बैंक में ओपन हो जाता है, आपको अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप बिना वीडियो केवाईसी का किसी भी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको जो वहां पर अकाउंट का इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा तो आप सिर्फ अपने उस अकाउंट में कहीं से पैसा मंगवा सकते हैं, लेकिन अपने अकाउंट के थ्रू आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। साथ ही अगर आप किसी भी बैंक में बिना वीडियो केवाईसी का अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आप वहां पर मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग तो यूज कर सकते हैं, कस्टमर आईडी डाल करके आप लॉग इन कर सकते हैं, अकाउंट नंबर के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई अदर UPI एप्स यूज करना चाहें तो आप कोई अदर UPI एप्स यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी UPI एप्स यूज करने के लिए चाहते हैं तो वहां पर आपसे डेबिट कार्ड मांगा जाता है। तो अगर आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करके अपना अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड नहीं की जाती है, जिसकी वजह से आप कोई भी UPI एप्स यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप किसी भी बैंक में बिना वीडियो केवाईसी का अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको ज्यादा लिमिट नहीं दी जाती है, आप अपने अकाउंट में ज्यादा बैलेंस नहीं रख सकते। कुछ बैंक ऐसे हैं जहां पर आप 2 लाख रुपए तक रख सकते हैं और कुछ बैंक ऐसे हैं जहां पर आपको 1 लाख रुपए से भी कम रखने होंगे। इसके अलावा अगर आप किसी भी बैंक में बिना वीडियो केवाईसी का अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं और अकाउंट ओपन होने के बाद मान लीजिए कहीं से अचानक आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा आ जाता है, ज्यादा ट्रांजेक्शन होने लगती है, तो कभी भी आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है, कभी भी उसे ब्लॉक किया जा सकता है। साथ ही एक चीज और है, अगर आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं और आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या फिर कैसे भी करके केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है तो आप अपने उस अकाउंट का यूज सिर्फ 1 साल तक ही कर सकते हैं। 1 साल जैसे ही आपका उस अकाउंट का कंप्लीट होगा, आपके उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है, उसे क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आप 1 साल के अंदर में कभी भी कंप्लीट केवाईसी करवा सकते हैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या फिर ब्रांच में विजिट करके। अगर आप कंप्लीट केवाईसी 1 साल के अंदर में करवा लेते हैं तो आपका जो भी अकाउंट है उसे ब्लॉक नहीं किया जाता है, आप अपने उस अकाउंट का यूज लाइफ टाइम कर सकते हैं। कई सारे लोग वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने में डरते हैं, तो आपको बता दें इसमें डरने की बात नहीं है, वहां पर आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। जैसे ही आपका वीडियो कॉल स्टार्ट होता है तो वहां पर सिर्फ आपको अपना पैन कार्ड दिखाने होते हैं अपने मोबाइल फोन के कैमरा के माध्यम से, साथ ही एक ब्लैंक पेपर पर में आपको सिग्नेचर करके
करके उन्हें दिखाने होते हैं जो भी एजेंट आपके साथ वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जुड़ते हैं। इसके अलावा आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ ओटीपी शो करते हैं, वो ओटीपी उन्हें बताने होते हैं और इसी तरह से आपका वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आप चाहें तो इंस्टेंट वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं और वहां पर आपको बैंकिंग के सारे बेसिक फीचर्स आपको मिल जाए, तो इसके लिए आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या फिर ब्रांच में विजिट करके कंप्लीट केवाईसी करना जरूरी है। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।